नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी श्रृंखला में आप सभी का वीटेक क्लासेस की तरफ से मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा, आज पढ़ेंगे पांडवों की रक्षा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर ने कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में समझा दिया था उसे लोग समझ ना सके। वर्णावत के लोग पांडवों के आगमन की खुशी पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाट से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही दृष्टि ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगाने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया कि तुम यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहां से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सभी भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वर्णावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडव को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूं। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखते, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूं। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ ही दिनों में उसने एक सुरंग बना दी। इसी रास्ते से पांडव महल के अंदर से ही नीचे नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह रूप से हुआ और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर ना हो पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडव को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। ये इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरंग बनाई गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया, बड़ी धूमधाम रही मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन के कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपने लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। करों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से करों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उसके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट में हो गया। वर्णावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा।
धृतराष्ट्र और उसके बेटों ने पांडवों के मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रहते हुए विलाप करते हुए घर लौटे, परंतु दासनी विदुर ने शोक को मन ही में दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए भी किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख का घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थक कर चूर हो गई थी। तो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथ से पकड़ लिया और उनकी जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता और रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा किनारे पहुंचे तो वहां विदुर को भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि सुरक्षित स्थान पहुंच जाए। सूरज डूब गया और रात हो चली थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी सताने लगी। चक्कर सा आने लगा था, एक पग भी आगे बढ़ाना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वही जमीन पर बैठ गए, कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूं, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटो, चाहे तो भले ही मुझे यहां से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह सुनकर कुंती वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे ही सोए कि उन्हें अपनी सुध-बुध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे में होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी जाकर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपने गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन उठता। वह बड़ी चिंता से उनकी बाट जोहती रहती। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके दो हिस्से कर देती, एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी आधे में से पांच हिस्से करके चारों बेटों और खुद खा लेती थी। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन ब दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और दृष्टि बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उस विशाल शरीर और उसकी विलक्षण हांडी देखकर तो बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीम ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं,
पर तुम नहीं माने, यही हटकरते रही। यह मेरे बाप दादा का गांव है, यही रहूंगी। बोलो आप क्या करती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे कवलित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता फिर भी इस अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से अच्छा उपाय है कि हम सभी एक साथ मौत को गला लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोली, प्राणनाथ मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें ताकि मैं राक्षस का भोजन बनू। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता की इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेजते। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से मार इस तरह जोर से मार डालूंगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को इस असमय दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समय एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पहले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर वह बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा जो वत्रकी नाम के महल में रहता है इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ा अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने अपने लोगों की यह बात मान ली और तब से समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीजें हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन की हमारी बारी है। अब मैंने तो यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा तो बता दिया, इस कष्ट से दूर करना तो आपके बस में भी नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर आप इस बात की चिंता छोड़ दें, उनमें बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें कहती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं, आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं कैसे भेजूं? यह कहां का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीम सेन को बताया कि वह बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खीज उठे और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो मां? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते हमें उनका बदला चुकाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूं, तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वर्णावत से यहां तक उठा लाया, जिसने हिडम्बा का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में रखकर ले आए। भीम चल उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेले भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था।
जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा से बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह मिठाई देख राक्षस गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपने ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने में ही लगा रहा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और उसे भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ता कर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसके मुंह के बल गिरा दिया और पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा, उसके प्राण पखेरे उड़ गया। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और फिर उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। इस तरीके से भीमसेन का ये अध्याय खत्म होता है। मिलते हैं द्रौपदी स्वयंवर के साथ नए चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। मिलते हैं नए पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय।